हेलो बच्चों, आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का पहला अध्याय विकास पढ़ने जा रहे हैं। यह इस अध्याय का भाग एक है। इस भाग में हम जानेंगे विकास की परिभाषा, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य और आय और अन्य लक्ष्यों के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आपने विकास के बारे में सुना होगा। विकास का समानार्थक शब्द प्रगति है, लेकिन विकास का विस्तृत रूप क्या है? बच्चों, निम्न स्तर से अच्छे स्तर में जाने की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु का बढ़ना, पहले से विकसित होना या पहले से मजबूत होना विकास कहलाता है। बच्चों, व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्य रखता है या कुछ आकांक्षाएं रहता है और वो किस तरीके से उसे पूर्ण कर पाता है, पूर्ण कर भी पाता है या नहीं। बच्चों, इस अध्याय में हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए विकास की परिभाषा समझेंगे कि किन व्यक्तियों के लिए विकास क्या मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की। आखिर एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या चाहता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा काम हासिल करना चाहता है ताकि उसके काम करने के दिन बढ़ जाएं। बेहतर मजदूरी चाहता है। पास के स्कूल में उसके बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ये भी कहीं ना कहीं वो चाहता है। जबकि हम पंजाब की एक अमीर किसान की बात करें तो उसके लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, उसके विकास का अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे किसानों को उसके उपज का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, उनको मजदूर सस्ते दामों पर मिल जाए और उनके अपने बच्चे कहीं विदेशों में जाकर बस सकें। शहर में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की के लिए विकास की बात करें कि वो क्या चाहती है, उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिले, वो अपनी फैसले खुद कर सके और विदेश में जाकर पढ़ सके। तो बच्चों, इन उदाहरणों से पता चलता है कि हर व्यक्ति के लिए विकास के विचार एक जैसे नहीं होते। हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग चीज़ें चाहता है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूर्ण हो, जो जीवन में उनकी आकांक्षा या अभिलाषा है वो पूर्ण हो। बच्चों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों या दो समूहों के लक्ष्य आपस में विरोधी होते हैं, या एक का विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। उदाहरण में देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी निजी गाड़ी रखने लगेंगे तो जो गाड़ी खरीदेंगे उनके लिए यह प्रगति या विकास होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा निजी गाड़ियाँ प्रदूषण बढ़ाएगी और आम लोगों के लिए ये विनाशकारी सिद्ध होगा। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति नदियों के ऊपर बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उद्योगपति ये नहीं जानते कि नदियों के ऊपर बांध बनाने से उनके किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। कई बार ये बांधें टूट जाती है और आसपास के गांव जलमग्न हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक उद्योगपति का लक्ष्य बांध बनाना है और आसपास के लोग चाहते हैं कि बांध ना बने। तो बच्चों, यहाँ से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, मतलब
एक के लिए जो विकास है वह दूसरों के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। दूसरा, दूसरे के लिए पहले वाले व्यक्ति का जो विकास का लक्ष्य है वो विनाशकारी भी हो सकता है। बच्चों, अब बात करते हैं आय और अन्य लक्ष्यों के बारे में। बच्चों, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपने उत्पाद के लिए अच्छी कीमतें मिले। लोग ज़्यादा आय चाहते हैं। इसके साथ लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से नाखुश होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जो विकास के लिए मायने रखती है। बच्चों, कुछ मामलों में अधिक आय अधिक उपभोग से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है। बच्चों, आइए एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपको दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले व्यक्ति आय के अतिरिक्त बहुत सारे कारकों पर विचार करता है, जैसे आपके परिवार के लिए उस नौकरी से क्या सुविधा उपलब्ध होगी, आपको काम करने के लिए कैसा वातावरण मिलेगा और इसमें आपको आगे बढ़ने का अर्थात सीखने का क्या क्या उपाय मिलेगा। सामान्यतः लोग वो रोजगार अपनाते हैं जिसमें नौकरी करने से कम वेतन मिल रहा हो लेकिन सुरक्षा की भावना अधिक हो। सरकारी नौकरी इसका एक उदाहरण माना जाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा हो ऐसा नहीं हो सकता। आपको यदि परिवार के लिए समय नहीं मिले तो इससे आपका स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना कम हो जाती है। इसलिए विकास के लिए लोग मिलीजुली लक्ष्यों को भी देखते हैं। बच्चों, यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं अर्थात बाहर जाकर नौकरी करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाता है, और महिलाओं के लिए अगर आदर है तो घर के कामकाज में उनका हाथ बटाया जा सकता है। सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण के लिए महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरी एवं व्यवसाय को अपनाने लगी हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के लिए नहीं बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को भी लक्ष्य मानकर चला जाता है। बच्चों, अब यह भाग यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने पढ़ा विकास की परिभाषा, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य। तो अब मिलेंगे दूसरे भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।